नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल में। दोस्तों आज कच्छ दर्शन में मैं आया हूँ कच्छ की एक ऐतिहासिक जगह पर। जी हाँ दोस्तों, ये है बौद्ध गुफाएं, सियोत की बौद्ध गुफाएं। चलिए तो फिर दोस्तों हम जानेंगे इस बौद्ध गुफाओं के बारे में और मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो मेरे ये वीडियो को आप अंत तक देखें। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल कच्छ दर्शन में कच्छ की सारी ऐतिहासिक, प्राकृतिक, धार्मिक एवं कच्छ की संस्कृति, कच्छ की कला, कच्छ की आर्ट, म्यूज़िक और सारी जानकारी मैं इस चैनल में आपको देते रहूँगा। चलिए तो दोस्तों फिर जानते हैं सियोत की बौद्ध गुफाओं के बारे में। मैं आपको अंदर में दिखाऊंगा और इतिहास सारी ऐतिहासिक जानकारी भी मैं बताऊंगा। और दूसरा ये कि आपको इस जगह पर अगर आप विजिट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कैसे पहुँचना है, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो मेरे ये वीडियो को अंत तक देखें। चलिए दोस्तों फिर जानते हैं ये ऐतिहासिक जगह बौद्ध गुफाओं के बारे में। मैं आपको अंदर की ओर ले चलता हूँ और सारी पूरी जानकारी भी मैं इसको इस वीडियो में आपको बताता हूँ। चलिए तो फिर दोस्तों चलते हैं अंदर। ये देखिए आप, यहाँ पर पूरा भारत ये बौद्ध इसकी सारी ऐतिहासिक जानकारी जो हमारे गुजरात टूरिज्म्स और इनके बारे उनकी ओर से ये लगाया गया बोर्ड, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि ये गुफाओं जो सैल गुफाओं के नाम से जानी जाती है, ये आप फोटो देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बुद्धिस्ट सील फाउंड इन द मेन केव, मीन्स की ऐसी बुद्धिस्ट की मुद्रा इस गुफाओं के अंदर प्राप्त मिली थी, जिसके आधार पर ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि ये बौद्ध गुफा है। और आप ऊपर भी आप देख सकते हैं पूरा ये यहाँ से बुद्धिस्ट गुफा है। चलिए तो फिर मैं आपको और विस्तृत जानकारी हम देखते अंदर की ओर। तो हम शुरुआत में यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देखिए यहाँ से ये प्रदक्षिणा है, आप यहाँ से प्रदक्षिणा कर सकते हैं ये गुफाओं के अंदर। तो एक्चुअली उसमें अंधेरा है तो फिर हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, मैं थोड़ा बहुत इसको आपको दिखाऊंगा। यहाँ से प्रदक्षिणा है तो पूरा अंधेरा है इसलिए मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ से इस वीडियो में देख सकते हैं। चलिए तो फिर और आगे हम जाएंगे और जानेंगे इसके बारे में, देखेंगे। अगर आप इस जगह पर आना चाहते हो तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो ये है बौद्ध गुफा है, मैं और आगे आपको इसके बारे में दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, कहा जाता है कि यूएन संघ, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, यूएन संघ जो चीनी यात्री थे जो 7वीं शताब्दी में भारत का दौरा किया था और उनकी किताब और उन्होंने भी यहाँ पे विजिट किया था, ऐसा कहा जाता है, ऐसा अनुमान भी है कि उनकी किताब और उनकी विजिट के दौरान ये यहाँ पे ये बौद्ध गुफाओं में जो बौद्ध भिक्षु थे वो ध्यान करते थे, ऐसा कहा जाता है उनकी किताब के अनुसार और उनकी विजिट के अनुसार। चलिए तो फिर हम और ज़्यादा अंदर चलते हैं और देखते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा मठ था बौद्ध, देख सकते हैं आप अलग अलग यहाँ पे, ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, पूरा अच्छा और देखने लायक जो विरासत, हमारे भारत की एक विरासत। अगर आप ऐतिहासिक जानकारी लेना चाहते हैं, आप ऐतिहासिक स्टडी कर रहे हैं, इतिहास के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको कहूँगा कि इस जगह की अवश्य मुलाकात लीजिए, इस जगह के बारे में जानिए। चलिए और हम देखते हैं, ये पूरा देखिए यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि बहुत ये ब्राह्मी लिपि में यहाँ पे लिपि लिखी गई थी, तो इनका मतलब ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है। ये देखिए पूरा अंदर का गर्भगृह आप देख सकते हैं, अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली थोड़ा शांत माहौल है। ये देखिए पूरा काफी अच्छा देखने लायक। चलिए फिर इधर और आगे हम देखते हैं, ये देखिए पूरा स्तंभ कैसे अच्छी तरह से इन लोग
बौद्ध भिक्षु जो यहाँ पर ध्यान करते थे, तो ये हमारे ऐतिहासिक विरासत, एक ऐतिहासिक जगह। मैं आपको बिल्कुल कहना चाहूंगा कि ये जगह पर आप बिल्कुल निश्चिंत, अगर आप ऐतिहासिक जानकारी लेना चाहते हैं तो एक बार अवश्य विजिट करिए। आपकी अगर कच्छ में घूमने के लिए आए हैं तो ये जगह देखने लायक, कच्छ में घूमने लायक ऐतिहासिक जगहों में से एक प्रसिद्ध ख्यातनाम जगह जो बौद्ध गुफाओं के नाम से जाना जाता है। यहाँ से बस 500 मीटर की दूरी पर कटेश्वर का बहुत बड़ा मंदिर भी है जो हम देखेंगे, और नजदीक एक वाव भी है जो यहाँ पे देखने लायक है। तो दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं ये वाव, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, आगे बताया कि यहाँ से एकदम नजदीक में वाव थी जो यहाँ से पानी का संग्रह था, और यहाँ से पानी का जो संग्रह था, जब पानी का उपयोग करते थे, और ये काफी पुरानी वाव जो बुद्ध गुफाओं के एकदम नजदीक में है, तो जो देखने लायक, आप अगर यहाँ पे आते हो तो बौद्ध गुफाओं को देखने से जाने से पहले बीच में ही आती है। तो फिर और आगे थोड़ा बहुत हम देखते हैं, ये पूरा नजारा देखिए यहाँ का, पूरा ये शांत माहौल, यहाँ से आसपास पूरा शांत जगह था जो भिक्षुओं के लिए एक ध्यान का एक अच्छा अच्छी थी। और यहाँ पे ऐसा अनुमान भी लगाया गया है कि और बहुत सारी गुफाएं हैं, अगर इसका प्रॉपरली पता लगाया जाए तो और बहुत गुफाएं यहाँ पे हमें देखने को भी मिलेगी आने वाले टाइम में। तो मैं आपसे अवश्य ये कहना चाहूंगा कि एक बार इस जगह पर अवश्य विजिट करिए। तो ये है सियोत की बुद्ध गुफाएं, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा और शांत जगह एकदम, यहाँ से देखिए पूरा ये दिख रहा है, पूरा पुराना एकदम। ये 7वीं शताब्दी में यूएन संघ जो भारत में आए थे चीनी यात्री, उनके अनुसार ये काफी ऐतिहासिक जगह। और थोड़ा मतलब मैं यहाँ पे ऐसा बात भी बताना चाहूंगा कि ये जगह शांत है, उसको और डेवलपमेंट करने की जरूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा, ये देखिए पूरा शांत माहौल और देखने लायक जगहों में से है। चलिए दोस्तों, फिर मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस जगह पर आना चाहते हो तो कैसे पहुंचेंगे। अगर आप इस जगह पर विजिट करना चाहते हो तो सबसे पहले भुज से आपको माता ना मढ़, जो आशापुरा का एकदम प्रसिद्ध वेरी फेमस मंदिर जो माता ना मढ़ है, माता ना मढ़ से 15 किलोमीटर दयापर गांव, और दयापर गांव से 5 या 7 किलोमीटर के अंतर पर गडुली गांव से सियोत, 10 किलोमीटर की दूरी पर ये सियोत गुफाएं हैं। नजदीक में कटेश्वर का मंदिर है, और ये गुफाएं जो सेल गुफाएं और बौद्ध गुफाओं के नाम से जानी जाती है। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये जगह पर आप आना चाहते हैं तो भुज से माता ना मढ़, माता ना मढ़ से दयापर, जो लखपत तालुका का एक हेडक्वार्टर है, मतलब एक बड़ा गांव, बड़ी सिटी, और दयापर से सीधा आपको गडुली गांव आना है। गडुली गांव से राइट साइड में आप सियोत गांव आएंगे, सियोत गांव से एकदम नजदीक ये कटेश्वर यानी सियोत की बुद्ध गुफा है। तो दोस्तों आप बिल्कुल यहाँ पर आइए, अगर आप ऐतिहासिक जानकारी लेना चाहते हैं, आप ऐतिहासिक जगह देखना चाहते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर जो घुनेरी गांव है, जो कच्छ का एकदम लास्ट गांव, यहाँ से फिर बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर रन ऑफ कच्छ स्टार्ट हो जाता है। और थोड़ा इस साइड लेफ्ट साइड में हम अगर जाए तो लखपत, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, लखपत जो एक टाइम का लाखोपति गांव था, वो भी यहाँ से बस 15 या 17 किलोमीटर गांव यहाँ से आप, तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको 3-4 और जगह, ऐतिहासिक जगह, धार्मिक जगह पर भी आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहूंगा कि ये जगह पर बिल्कुल विजिट करिए, जानिए और देखिए। चलिए दोस्तों, तो फिर ये था मेरा वीडियो, और थोड़ा बहुत आपको मैं इसके बारे में दिखा देता हूँ, बाहर हम मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप देखिए ये ऊपर का, यहाँ से ये
देखिए ये है बौद्ध गुफाएं, काफी सुनसान जगह लेकिन ऐतिहासिक जगह। यहाँ से नजदीक में ही बस वाव है जो हम देखेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जगह के बारे में आपने अच्छी तरह से जाना होगा। तो मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों, फिर कच्छ दर्शन में फिर हम मिलेंगे कच्छ की एक और अच्छी जगह के बारे में। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।